है चैनल. सो आप लोगों ने सही टाइटल पढ़ा है और मैंने मोस्टली थंबनेल में भी रिवील कर दिया है कि फाइनली आई गॉट माय फर्स्ट टैटू. सो ये टैटू मुझे बहुत टाइम से बनवाना था लेकिन मुझे फैमिली की परमिशन नहीं मिल रही थी. बट इस बार मैंने बहुत कन्विंस किया और मैंने टैटू बनवा लिया. सो मैं आपको टैटू ज़रूर दिखाऊंगी बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टैटू मेरे लिए बहुत बहुत मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत टाइम से बनवाना था. मेरे लिए ये टैटू बहुत मैटर करता है. ये छोटा सा टैटू है बट आप लोग समझ रहे हो ना. नहीं मतलब ये बहुत छोटा सा टैटू है लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है. आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या होगा. सो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर. आपके साथ पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि टैटू बनाते हुए मुझे कैसा फील हुआ. सो हाँ, मैं जैसे टैटू बनाने गई, सबसे पहले तो मैं शॉप में जाके वापस आ गई क्योंकि मुझे बहुत डर लगा. वहाँ पे कोई और था, वो टैटू बना रहा था, तो उसे देख के मुझे इतना डर लगा कि मैं वहाँ से वापस आ गई. लेकिन फिर जब मैं बाहर आई तो मैंने सोचा कि मैं टैटू बनवाने ही तो आई थी. सो मैंने अपने आप को फिर बहुत अपने आप को वो किया और मैं चली गई फाइनली. और फिर हाँ, मैंने उन्हें टैटू दिखाया, मुझे ये टैटू बनवाना है, और मैंने ये टैटू बनवा लिया. दर्द की बात करें तो थोड़ा बहुत दर्द हुआ, ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत हुआ. और गुदगुदी तो मुझे और मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी भी हुई. सो हाँ, मतलब दर्द तो होता ही है. इवन हमारी स्किन में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो दर्द तो होगा ही, और वो तो फिर टैटू था तो दर्द तो होना ही था. ये सारी बकवास बंद करके मैं फाइनली आप लोगों को टैटू दिखा देती हूँ. तो मैंने जो टैटू है वो अपने लेफ्ट हैंड के बाजू पे बनवाया है. तो हाँ, तो ये टैटू मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया. प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये टैटू कैसा लगा. तो फाइनली मैं आप लोगों को टैटू दिखा रही हूँ. मैंने आप लोगों के साथ छोटा सा प्रैंक किया है. मैंने कोई टैटू नहीं बनवाया है मेरा. मैंने अपनी हंसी बहुत कंट्रोल करी, मतलब मुझे बहुत हंसी आ रही थी. मैंने कोई टैटू नहीं बनवाया है, मुझे बहुत डर लगता है. हाँ, मुझे बनवाना है बट अभी तक नहीं बनाया है. मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं प्रैंक करूँ किसी के ऊपर, तो करूँ. मैं सोचा फ्रेंड्स के ऊपर करती हूँ लेकिन वो लोग मुझे इतने अच्छे से जानते हैं कि वो मेरा प्रैंक पकड़ लेते हैं. इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सब पे थोड़ा सा प्रैंक किया जाए. तो इसलिए और ये भी बताना कि मेरी एक्टिंग आपको कैसी लगी. मैं जल्दी से हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ लेकिन मैंने कर ली. मैं तो हूँ ही अच्छी. मतलब सच बताना, आप लोग फंस गए थे ना. कोई तो फंसा होगा, सारे नहीं, कोई तो फंसा होगा. प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना. मेरा मतलब जिन लोगों ने स्टार्टिंग का पार्ट स्किप करके सिर्फ एंड का पार्ट देखा है उसके लिए, उनके लिए तो मेरा ही पोपट हो गया. लेकिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक फुल वीडियो देखी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लगा कि मैंने सच में टैटू बनाया है और मेरा प्रैंक सक्सेसफुल हुआ या मेरा ही पॉपट बन गया. मैं यूँ ही लगी हुई हूँ. होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा टैटू कैसा लगा और कितने लोगों पे ये प्रैंक सक्सेसफुल हुआ है. सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.